Hi, this is Harshdeep Kaur and you're watching me on www.rjmala.com. वाकई कितना नेम फेम और सक्सेस मिलता है इन रियलिटी शोज के जरिए न्यू कमर्स को, बिकॉज आपने भी जब एमटीवी वाला शो जीता था रियलिटी शो, उसके बाद आपने जब जुनून जीता, देन यू गॉट दैट नेम फेम और मतलब उस तरह का जो एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी वो आपको उसके बाद मिला. तो एक न्यू कमर के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करना थ्रू रियलिटी शोज और उनको जीत कर भी कितना मतलब आसान है अपने आप को सेटल करना रियलिटी शोज जीतने से पहले. एक्चुअली रियलिटी शोज आजकल एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं फॉर न्यू सिंगर्स टू कम एंड शोकेस देयर टैलेंट. एक सिंगर के लिए एकदम जीरो से स्टार्ट करना, कहीं से अपने गांव से आके अपने छोटे शहर से आकर बॉम्बे शिफ्ट होना और अपॉइंटमेंट्स लेना, मुझे डायरेक्टर से मिलना, वो बहुत मुश्किल है. तो आई थिंक एक जरिया बन गया रियलिटी शो कि जिस सिंगर को कोई भी नहीं जानता, अचानक पूरा कंट्री है, पूरा वर्ल्ड उन्हें देख रहा है टीवी के जरिए. तो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स खुलने के चांसेस ज़्यादा, ये नहीं कि ज़रूर मिलेगी उन्हें चांस, लेकिन एटलीस्ट एक उम्मीद तो जाग होती है जी. और अगर वो जीत जाए तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, एक एल्बम आ जाती है और शोज शुरू हो जाते हैं, पीपल कॉल यू फॉर शोज, क्योंकि आपको लोग आपके चेहरे को पहचानते हैं. तो पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू फॉर शोज, लेकिन इससे आपको बॉलीवुड में काम मिल जाए, आप एकदम से बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर बन जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसके लिए आई थिंक सिर्फ सिंगिंग से ज़्यादा कुछ चाहिए होता है जी. सिंगिंग से ज़्यादा कुछ क्या चाहिए होता है? आई थिंक हार्ड वर्क मैटर्स, कितनी पेशेंस है और इवन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे आपके रिलेशनशिप कैसे हैं लोगों के साथ. कई लोगों कई लोग ऐसे होते हैं जिनका गायकी बहुत जबरदस्त होती है लेकिन एटीट्यूड नहीं ठीक होता. तो फॉर बॉलीवुड अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, यू नॉट डाउन टू अर्थ, यू नॉट अ हम्बल पर्सन, तो आपको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स है, इवन लक काउंट्स कि आप सही टाइम पर सही जगह पर हैं कि नहीं जी. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपने उसका फ़ायदा उठाया कि नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए. हर्षदीप, आप म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान के साथ बहुत पहले ही जुड़ गए थे, लेकिन उसके बाद फाइनली मतलब रंग दे बसंती में आपने एक गाना गाया एंड देन उसके बाद रॉकस्टार जी, जिसके बीच में बहुत लंबा चौड़ा गैप था. क्या कारण था, मतलब यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू ए आर रहमान एंड स्टिल इट टुक सो मच ऑफ टाइम टू गॉट दैट टाइप ऑफ फेम नेम एंड सक्सेस? टाइमिंग की बात है आई थिंक. कहते हैं जब जो चीज़ लिखी होती है तभी होनी होती है. तो मैं तो एक ओंकार में बहुत खुश थी, मेरा तो सपना था कि मैं ए आर रहमान को देख लूँ. सपना पूरा हो गया जब उनके साथ गा लिया और जो शुरुआत हुई उनके साथ बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो एक प्रेयर थी, एक ओंकार हमारे जपजी साहब का मूल मंत्र है. तो मैं तो उसी में काफ़ी खुश थी जी. तो रंगते बसंती के पास एक ओंकार सिर्फ सिखों ने या पंजाबी लोगों ने इतना सिर्फ उन्होंने पसंद नहीं किया, पूरी दुनिया ने पसंद किया जी. और इवन जो अलग धर्मों के लोग हैं उनके मुझे ईमेल्स आते हैं कि हमारी कॉलर ट्यून है, हमारा मॉर्निंग अलार्म है. आज भी 2006 में वो मूवी रिलीज हुई थी और आज तक मुझे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि हम रोज़ सुनते हैं आपका एक ओंकार जी. तो आई थिंक उसी का कह सकते हैं, उसी की ब्लेसिंग्स हैं. उसके बाद आई थिंक रहमान सर अलग तरह का म्यूज़िक कर रहे थे, उनको नई रिक्वायरमेंट होगी मेरी आवाज़ की. उन्हीं दौरान 2008 में मैंने रियलिटी शो किया था जुनून. तो उसके बाद काफ़ी उसके वीडियोस यूट्यूब वगैरह पर भी थे. तो 2010 में मुझे कॉल आई रहमान सर के ऑफिस से कि आप वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टूर ही वाज डूइंग, दैट इज वन ऑफ हिज बिगेस्ट वर्ल्ड टूर्स एवर. जय हो जर्नी होम कॉन्सर्ट था 2010, इट वॉज ऑल ओवर USA, कैनेडा, साउथ अफ्रीका. तो आई वॉज लकी कि मुझे फिर से सर को मिलने का मौका मिला
और मैंने काफी गाने गाए और एक ओंकार भी मैंने गाया क्योंकि उसमें कॉन्सर्ट में एक स्पिरिचुअल सेक्शन था जिसमें सर एक सूफी कवाली गाते थे, एक भजन होता था और एक ओंकार होता था, कि सब धर्मों का एक उन्होंने अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाया था शो पे। और एक शो लंदन में हुआ था, तो लंदन गाना गाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि कम टू माई स्टूडियो, एक रिकॉर्डिंग है। तो रॉकस्टार से पहले एक्चुअली मैं एक और गाना गा चुकी थी उनके लिए, एंड दैट वाज फॉर डैनी बॉयल्स फिल्म 127 आवर्स। तो उसमें ऐसे गाने, इट वाज नॉट अ सॉन्ग सॉन्ग, उसमें खाली हमिंग थी और आलाप गाने थे। अच्छा। तो रिकॉर्डिंग के बाद जब ऐसे बैठे हुए थे, मैंने रहमान सर से पूछा, सर सो हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो? तो उन्होंने, आई सॉ यू ऑन यूट्यूब। ओके। तो उन्होंने जब मुझे यूट्यूब पे देखा, मेरी कुछ वीडियोस देखे, उनको अच्छा लगा कि शी विल बी अ गुड पार्ट ऑफ द शो, उनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर मुझे याद आया कि इसने तो मेरे लिए एक ओंकार भी गाया। अच्छा, तब नहीं याद आया। तो उनको एक तरह से रिफ्रेश हो गया मुझे देखकर यूट्यूब पर। okay. तो फिर उन्होंने मुझे अपने शो का पार्ट बना लिया। और फिर उन्हीं दौरान, उसी टाइम के दौरान, रॉकस्टार पे शायद वो काम कर रहे थे और एक पंजाबी गाने की रिक्वायरमेंट आई, तो फिर उनको मेरा ध्यान आया कि लेट्स कॉल हो गया।